आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम माई डियर व्यूवर्स, कैसे आप सब लोग? जी हम भी ठीक हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और दुआ करती हूँ आप सब भी ठीक हों, अपनी फैमिली के साथ खुश बाश हंसते बसते रहें, आमीन। तो आज मैं बता रही हूँ आपको बारबेक्यू चिकन। यहाँ पे मैंने ये 10 लिए थे थाए और लेग्स, ये मैंने बीच में से कटवा लिए थे और इनको कट लगा दिए ये इस तरह से। ये मैंने इनको अच्छी तरह से धो के और इनका पानी जो है सोख कर दिया था। तो यहाँ पे इसके लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए, ये एक लेमन है, आप हाफ डालें पूरा डालें आपकी मर्ज़ी है। ये 2 टेबलस्पून जो है लहसुन अदरक का पेस्ट है भर के, और 6-7 जो है सब्ज़ मिर्ची है, और ये है क्रश वाली चिल्ली 1 टेबलस्पून, और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, और 1 टीस्पून ये रेड चिल्ली पाउडर, और यहाँ पे गरम मसाला 1 टीस्पून, यहाँ पे चाट मसाला 1 टीस्पून, अचार गोश्त मसाला 1 टेबलस्पून, और यहाँ पे क्रश ज़ीरा है ये 1 टीस्पून भर के है, और यहाँ पे सॉल्ट 1 टेबलस्पून, ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। ज़ीरा, अचार गोश्त मसाला, मैं इनको सबको अच्छे से लगा लूँगी। इसमें बिल्कुल भी दही नहीं मैं डालती हूँ। मैं इनको मसाला अच्छे से लगा के पूरा ओवरनाइट जो है मैं इसको मैरिनेट होके करने के लिए रख दूँगी। ये हो गया रेडी, इसको मैं अभी ओवरनाइट के लिए इसी तरह ही रख दूँगी। ये देखें चिकन जो मैंने मसाला लगाया था उसको मैंने फिर थोड़ा सा कुक किया, कुक करके तो मैंने उसको फिर बिल्कुल ड्राई कर लिया। जो उसका मसाला था मैंने उसको ये यहाँ पे जो बच गया था थोड़ा सा उसमें पॉट में ये मैंने इस तरह ड्राई किया। इसमें मैं अभी 2 चम्मच, अब मैं इस पॉइंट पे मैं दही डाल रही हूँ, पहले नहीं मैंने डाला था, पहले मैंने लेमन डाला बस। इसमें थोड़ी सी ग्रीन चिलीज डाल के, नमक डाल के मिक्स करके फिर मैं बताती हूँ आपको। अभी मैं यहाँ से ये चिकन लेके इसको इसमें अच्छी तरह रोल कर करके जी, तो ये देखिए ये पूरा मैंने दही वाला मसाला अब इस पर लगा दिया। ये अभी बारबेक्यू के लिए रेडी है। मैं इसको कोयलों पे बारबेक्यू करूँगी। अगर आप लोग इसको ओवन में इसी तरह करना चाहते हैं बहुत मज़े का बनेगा। फॉइल से पहले ढक लें, फिर फॉइल उतार के 15 मिनट लास्ट पे बेक करें, 20 मिनट फॉइल के साथ करें, इतना यम्मी ये बनेगा। और आप कोयले का फ्लेवर दे के इसको बारबेक्यू फ्लेवर भी दे सकते हैं, लेकिन मैं बाहर डायरेक्ट आज आपको बारबेक्यू करके दिखाऊंगी।